मर गए भाई, तो क्या हाल चाल है? तो जो इस सीन में साफ नजर आ रहा है कि जहाँ पर मंसूर जा रहा है इसके राइट साइड या फिर इसके पीछे एक बूढ़ा अंकल भी खड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही कैमरा ऊपर से व्यू लेता है मंसूर तो वहाँ पर ही होता है, लेकिन वो वाला अंकल वहाँ से पलटी हो जाता है। पहले साफ नजर आ रहा था कि इन वाली सीटों पर काफी ज्यादा लोग थे और इन वाली सीटों पर काफी कम लोग थे, लेकिन जैसे ही कैमरा ऊपर से व्यू लेता है तो इन वाली सीढ़ियों से वो वाले सारे के सारे बंदे जादू से चलकर इन वाली सीढ़ियों पे आ जाते हैं, जबकि मंसूर वहीं का वहीं ही है। अब ये इतनी जल्दी कैसे हुआ? एक्सप्लेन अस प्लीज। तेरी माँ की आवाज इसलिए निकली क्योंकि उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा है, पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है और इंडिया बॉलिंग। अब जैसे ही बंदे ने बॉल करवाई और आगे से पाकिस्तानी बैट्समैन ने बल्ले से, नहीं अपने बल्ले से भाई, वही बल्ला यार जिसे पहले हिलाया जाता है, उसने उस बल्ले से गेंद लगाई और छक्का मार दिया। अब जैसे ही छक्का लगा तो इसके मुँह से क्या निकला पड़ा? तेरी माँ की। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि पाकिस्तानी कौन से बैट्समैन खेल रहे हैं। एक खेल रहा है यूनुस और दूसरा जमशेद। अब तुम्हें बताना है कि असल में बैटिंग कौन सा बंदा कर रहा है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। योर टाइम स्टार्ट नाउ। जानते हो ना हमें? क्यों नहीं आंटी, नाम तेरा सारा अली खान, बाप का नाम सैफ अली खान, माँ का नाम अमरीता सिंह, एज तेरी 23, देखती तुम 19 की हो, हाइट तेरी 1.65 मीटर, और अगर तुम फिट और इंच में जानना चाहते हो तो 5 फीट और 5 इंच, वजन तेरा 50 केजी है, आईज कलर डार्क ब्राउन, बालों का कलर ब्लैक है। इससे आगे मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मतलब क्या मतलब ब्लाउज का कलर बता दूं क्या? कुछ ज्यादा नहीं हो गया? चलो खैर ये छोड़ो, मिस्टेक्स की बात करते हैं। इस सीन में साफ नजर आ रहा है कि मंसूर के इस वाली साइड पे यहाँ पर एक कपड़ा वगैरह पड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही कैमरा इसको दिखा के मंसूर की तरफ जाता है तो वो वाला कपड़ा वहाँ से गायब हो जाता है। इस सीन में जब मंदाकिनी मंसूर को चाय वाला कप देने लगती है, चाय वाला कप देने लगती है तो साफ नजर आ रहा है कि पीछे से एक बूढ़ा अंकल गुजरा है, लेकिन जैसे ही कैमरा ऊपर से व्यू लेता है तो वो अंकल वहाँ से गायब हो जाता है। अब इन दोनों के पीछे ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें वो बूढ़ा अंकल गुम हो गया है? गुफा है लेकिन वो सीक्रेट है। भाई अपनी अपनी पैंट पे हाथ रख लो क्योंकि लुल्लियां गर्म करने वाला सीन आ गया। इससे ज्यादा मसला है ना, जल्दी से जाके अंडरवेयर पहन आए। सीन में साफ नजर आ रहा है कि जब मंसूर को मार पड़ने लगती है तो साफ नजर आ रहा है कि पीछे यहाँ पर 2-3 लोग खड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही इसे कैमरा दोबारा से व्यू लेता है तो वहाँ पर पूरे का पूरा मलाई आ जाता है। इस सीन में दिखाया गया है कि मंसूर इस वाली रस्सी को पकड़ के लटका हुआ है और पानी से भाग कर नहीं लेके जा रहा। ये वाले हंसने की आवाज मेरे छोटे से कजन की है जो कि मेरे पास बैठा हुआ है और देख ही रहा है कि केला ही बोली जा रहा है, पता नहीं इसे हो क्या रहा है। चलो दोबारा से, इसी में दिखाया ये क्या है कि मंसूर इस वाली रस्सी को पकड़ के खड़ा हुआ है, लटका हुआ है ताकि पानी से भाग कर ना लेके जाए। अगर जरा गौर से आंखें खोल के देखे तो इसने तो रस्सी पकड़ी ही नहीं हुई, तो मंसूर यहाँ पर कैसे लटका हुआ है? एक्सप्लेन अस प्लीज। और पानी भी इसे भाग कर नहीं लेके जा रहा। अब इसमें कौन सा लॉजिक है, मैजिक है, ये तो तुम्हें पता हो। अगर तुम्हें पता है तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। मैं नहीं अंडरवेयर पहने आया है। इस सीन में साफ नजर आ रहा है कि ये वाली मूर्ति जिसकी लोग पूजा कर रहे हैं और सारी फिल्म में ये वाली मूर्ति ही दिखाई गई है। ये वाली मूर्ति पत्थर की बनी हुई है, लेकिन जब फिल्म का एंड होता है तो फिल्म के एंड में जाके ये वाली मूर्ति गोल्डन की कैसे बन जाती है? एक्सप्लेन अस प्लीज। इस सीन में मंसूर और मुक्कू दोनों इस वाली मूर्ति के साथ लटके हुए हैं, और ये वाले बंदे जो इस वाली मूर्ति के साथ लटके नहीं हुए लेकिन फिर भी लटके हुए हैं, ये इतनी मुश्किल से इस वाली मूर्ति को पकड़ के लटके हुए हैं और ये बिना लटके लटके हुए हैं। वाह वाह बढ़ गया भाई, ये वाला सीन नहीं जाने, जो कुछ मर्जी हो जाए। मना कर लो जी, गौरी आया। सो गाइस, वीडियो एंड होने से पहले एक बात करना चाहता हूँ। आप लोग हमेशा कमेंट्स में अच्छे बुरे कमेंट्स करते हैं, लाइक डिसलाइक करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत।